दोस्तों, मैं हूं रवि धमेजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरडीएक्स राइट्स इंडिया। मेरा ये व्लॉग मेरे पिछले कुछ व्लॉग से अलग होने वाला है। इसमें मैं बात करने वाला हूं उदयपुर पिछोला लेक के नज़दीक एक शॉप हस्तकला केंद्र। अगर आपको पिछले व्लॉग में याद होगा तो इस शॉप पे हम रुके थे सुबह एड्रेस पूछने के लिए, और रात को हम वापस आए, सोचा चलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद हम सरप्राइज हो गए जानने के बाद कि इतने अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे सिल्क होते हैं मटका सिल्क, सीताफल सिल्क, कोकोनट सिल्क, कभी सुना भी नहीं था मैंने मेरी लाइफ में। तो ये सब आपको सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है, एंड आई कैन से अमेजिंग इंडिया, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। व्लॉग को पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगा, काफ़ी यूनिक मिलेगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू। और साड़ी से मन पड़ जाए तो सूट बना लेना, घर के मन पड़ते दोनों ऑप्शन। सूट का साड़ी नहीं बनता है, साड़ी का सूट बनता है। लेकिन साड़ी भी बनता है मटका से, बड़े बड़े मटके होते हैं यहाँ की ग्रामीण इलाकों की, लगी दिखती है मटके के अंदर पत्ते बिछा के कीड़े की पीड़ा पत्ता खाने के बाद स्लाइव होता है, उस स्लाइव से इसको किया जाता है। ये आपके मटका से बहुत लाइट वेट सिल्क होता है। ये प्राइस नहीं कहा जाता सर, इसको सरप्राइज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद कहीं सुनने को ये चीज नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जी, क्या रेट है इसकी? ओके, फिर मैं आपको दिखाऊंगा केले के पेड़ से रेशा निकाल करके साड़ी को बनाया जाता है। पीछे फोटो दिया हुआ, इस तरह से बनती है साड़ियाँ। हाँ, ऐसे कटिंग किया जाता है रेशा। महाराष्ट्र आए थे केले की खेती वाले थे, केले को पूजा पाठ में शुभ माना जाता है, इसके सबसे ज्यादा। इसकी क्या प्राइस है? ये प्राइस नहीं सर, प्राइस का। अच्छा, अब मैं आपको एक खास साड़ी दिखाऊंगा, सीताफल के रेशे से बनी, कस्टर्ड एप्पल जानते हैं? सब जानते हैं, जो छाल होती है ना उस टाइम उससे बनाया जाता है। बाद लेडीज को कुछ सा नहीं, वो बता भी इसलिए रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज वो है। इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो कि जैसे मैडम मेरे सामने बैठी और लाइव डेमो बता रहा हूँ, इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ। तो वही है मतलब आप बड़ा अच्छे से रेंज निकाला है आपने, 550, 650, 800, 1000, एकदम सोच समझ के आपने। अब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे रस्सियाँ बैग वगैरह बनाया जाता है। वैसे खास ये मदर वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, ये साड़ी सोबर कलर होता है ना, इसीलिए मदर वगैरह। और बाकी डॉक्टर, टीचर, लेक्चरर, गेट की लेडी ने तो सबसे ज्यादा इस जूट की साड़ी को मान्यता पसंद की है। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ कोकोनट, साउथ इंडियन, और ये हैदराबाद इधर के जो कस्टमर होते हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा होते हैं, ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपकी कोकोनट है, और अब मैं आपके सामने साड़ी रखूंगा, महारानी साड़ी। तो यहाँ की राशन महारानी, ये रॉ सिल्क और लोटस की स्किन के रेशे से बनाया जाता है। इस साड़ी की एक खास बात है सर, घट जाए पड़ जाए तो फेंक किया का ना, इसको हमें रॉ सिल्क लोटस की स्किन के रेशे से बहुत सॉफ्ट साड़ी होती है। आपने घर जाके ये बोला ना 10,500 में लेके आए, वो भी माना, मानना नहीं, वो तो मानेंगे बाद में, पहले मारेंगे। अरे नहीं सर, पीड़ी? पहले मारेंगे, मानेंगे बाद में। इसकी क्या प्राइस है? लाइव देखना चाहेंगे। इसकी क्या प्राइस है? आज के लिए बोल रहे हैं ना, उससे आज की जब लाइव करने तो मैं कमरा से बोलना होगा। आज की जड़ी मत उसमें से बात।
लाइव देखेंगे दिखाते हैं। तो आप बोल रहे हैं आपके इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया इतनी देर में, ये वाली वापस निकालिए एक बार। हाँ मैं निकालता रहता नहीं बोला, वो आप इतना आप पे भरोसा आ गया है। ये कितना बोले आपने इसका? इसमें डिजाइन बहुत सारे बताइए कलर। इसके अंदर एक शीट डाली जाती है जो 18 जड़ी बूटी से बनती है, फलालेन जटामानसी एलोवेरा नीम का पत्ता नीम की छाल हल्दी मेहंदी तुलसी आंवला चंपा कुमार अर्जुन की छाल चंदन कुंडली डेढ़ कुमारी, ये सारी जड़ी बूटियां डाली जाती है तब जाके बनाया जाता है। और ये मच्छर पटरी का वॉशिंग में खराब नहीं होगा, इसको गर्म पानी से नहीं धोना, ड्राई क्लीन पर नहीं देना, दो चीज का ध्यान रखना। बाकी आप आराम से घर में वॉश करें, बॉडी पेन का कोई भी शिकायत वाला होता है तो इसको यूज करने पर काफी रिलीफ आराम मिलता है और इंसोमनिया थकान तीनों में काम कितने का होता है ये सब इसका प्राइस सरप्राइज होता है। सब्सिडी वगैरह काटने के बाद जो इसका प्राइस होता है 1,050 रुपीज सिंगल का और 80 रुपीज। ड्यूटी कहा जाता है एलिफेंट को गुडलक कहा जाता है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वाले गुडलक पिंड ले जाते हैं। ये आपके नौकप्पड़ डोला मारू और राजा रानी गेट पर, ये आपके पिकॉक और एलिफेंट पे, इसको गुडलक और ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। और एक रहेगा बनी एंड ठनी बीकानेर की, जो दो प्रिंसेस थी, एक का बनना सवरना एक जो ठान लेती करके रहती थी, तो ये आपके बनी एंड ठनी का डिजाइन बनाया गया है। और एक मारू तो नहीं चाहिए, डोला मारू पे मूवी बनी थी आपको ध्यान होगा, मेरे को वैसे पता है डोला मारू के बारे में। राजस्थान का लव कपल था और जो मूवी बनी थी गुजरात में बनी। क्यों राजस्थान वालों के पास बहुत पैसा बना सकते थे? बना सकते थे पर गुजरात वाले ज्यादा पैसा नहीं नहीं सही पैसे वाले। शादी के साल गिरा बच्चों को बर्थडे पार्टी तो वॉलपेपर करके इसके पेंटिंग करते बहुत पसंद और सेम चाहिए राजा रानी के सेम राजा रानी। ये 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 कौन सा था? ये आया सिंगल गया था डबल। ये कौन सा है? ये पीकॉक और एलिफेंट। ये कस्टर्ड, कस्टर्ड से क्या मतलब? सीताफल। नहीं वो तो समझा मेरे को, सीताफल की छाल के रेशे से, सीताफल की छाल के रेशे से बनी हुई और ये बनाना से बनी, ये बनाना के छाल से उसे कवर से बनी। हाँ, तने से बनी, तने से बनी बनाना से। और ये किससे बनाए? और ये लहंगा चोली। ये किससे बनाए? ये हैंडमेड कॉटन है।